ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 3 दिसंबर 2019 मंगलवार का दिन है। अघन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रहेगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। पंचक इस दिन रहेंगे। इसी के साथ दिशाशूल जो कि उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खाकर के यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि वृश्चिक राशि में, चंद्रमा कुंभ राशि में, मंगल ग्रह तुला राशि में, बुध तुला राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र धनु राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन तथा केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, वृषभ, कर्क, कन्या और मीन, ये 5 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए अति उत्तम साबित होगा। इनको कार्यक्षेत्र में एक नई उपलब्धि प्राप्त होने वाली है और धन लाभ का अच्छा संयोग बनने वाला है। इसी के साथ इनको जो है कुछ नया वाहन, नई भूमि या नई संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज जो भी काम हाथ में ले उसे निपटाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नौकरी या बिजनेस में एक से अधिक फायदे के अवसर आपको मिल सकते हैं। कामकाज की गति तेज होगी, परेशानियां समाप्त हो जाएगी। अपने शौक पूरे करने हैं तो कर सकते हैं। मेहनत से भी काम आपके पूरे हो जाएंगे। पिता से सहयोग मिलेगा। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो किस्मत आपके पक्ष में आ जाएगी। कुछ बिजनेस करने वाले लोगों की आमदनी बढ़ सकती है। मकान या वाहन खरीदने का मन आप बना सकते हैं। पुराना परिचित जल्द ही आपसे संपर्क करने का प्रयास करेगा। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का फल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आप जिससे भी मिलेंगे उस पर आपका प्रभाव पड़ेगा। कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। कोशिश करेंगे तो उम्मीदों से ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। अपना मन शांत रखें। आपको नए अनुभव मिलेंगे। कामकाज में आनंद आएगा। भावनात्मक संतुलन बना रहेगा। अचानक कोई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। धन लाभ की उम्मीद है। पैसा तो आएगा, काम की बात भी होगी। माता पिता और भाई बहनों से मदद आपको प्राप्त होगी। परिवार या कार्यक्षेत्र में आपके साथ भेदभाव हो सकता है। और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में यदि आप महापुजारी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कुछ मामलों में बहुत ही सोच विचार के बाद आप किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। आप वही करें जो आप चाहते हैं। अपना व्यवहार लचीला रखें। पिछले कुछ दिनों से जो योजना आप बना रहे हैं वो कारगर साबित हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर साथ के लोगों से सलाह लेने में संकोच न करें। बिजनेस में अच्छी तरह सोच विचार कर किए हुए सौदे आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। दूसरों पर आपका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। परिवार और दूसरों से भी आपको मदद प्राप्त होगी। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी बुजुर्ग इंसान की मदद करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। जीवन साथी के पैसों की स्थिति में कुछ बदलाव होगा। विचार करके कोई नई योजना बनाएंगे तो पैसों के लिहाज से अच्छा फायदा होगा और रुका हुआ पैसा मिलेगा। कामकाजी जीवन में प्रगति के अवसर मिलेंगे। कोई बड़ा काम हाथ में लेने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा और जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई विवाद न होने दे। मामला न उठाए, जल्दबाजी बिल्कुल न करें और किए गए कामों को एक बार अवश्य चेक कर ले। उपाय के रूप में कच्चा दूध भगवान शंकर जी के मंदिर में दान करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की।
पैसों के मामलों में पॉजिटिव संकेत आपको प्राप्त होंगे। किसी की मदद से अच्छा फायदा होगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई रहेगी। अधिकारी और बड़े लोगों से मदद मिलेगी। इससे आपके संबंधों में भी सुधार हो जाएगा। भावनात्मक संतुलन और शांति बनाए रखें। दुश्मन खुद की गलतियों से ही अपने आप हार जाएंगे। आज आप जो बिजनेस में सौदे करेंगे उनसे आने वाले दिनों में आपको ही फायदा होगा। आज आप व्यस्त रहेंगे, इसके अलावा किसी और की मदद करने का भी काम आपको प्राप्त हो जाएगा। और उपाय के रूप में यदि एक अनार भगवान हनुमान जी के मंदिर में आप चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी आमदनी बढ़ेगी या आमदनी के सोर्सेस भी बढ़ सकते हैं। 1 से अधिक आपके आय के स्रोत रहेंगे। किसी और तरीकों से आपको धन लाभ होगा। कामकाज में नई शुरुआत का योग है। आप नौकरी बदलने के लिए सहमत हो सकते हैं। परिवार में किसी के रिश्ते आदि के ऑफर पर सहमति मिल जाएगी। पॉजिटिविटी से आगे बढ़ेंगे। कागजी काम चुनौतीपूर्ण लगेगा। इंटरव्यू, सौदे, दलाली और कमीशन से यदि आप जुड़े हैं तो वहां पर आपको अच्छा फायदा होगा। उपाय के रूप में कुमकुम का तिलक लगाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। पहले से ही अपनी सीमाएं तय कर ले। सामाजिक मेल मिलाप के कुछ अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। किसी निवेश या सौदेबाजी से आपको बड़ा फायदा होगा। भावनात्मक परेशानियां समाप्त हो जाएगी। प्रेमी के साथ अनबन की स्थिति में अपना व्यवहार शांत और पॉजिटिव रखें। सब ठीक ठाक हो जाएगा। जरूरी कामों की सूची बनाकर निपटाएं। परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। व्यस्तता बढ़ने वाली है। करियर के लिए कुछ मददगार लोगों की मदद भी आपको प्राप्त हो जाएगी। शांत रहे, कोई बड़ा फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। ऑफिस में परिवर्तनकारी स्थिति बन सकती है। कामकाज में एक नयापन आपको महसूस होगा। कोई नया व्यक्ति भी आपके कार्यक्षेत्र में आपके साथ में जुड़ सकता है। और उपाय के रूप में एक सफेद फूल अपने पास रखना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। भाइयों तथा दोस्तों से मदद मिलेगी और आपके खास काम पूरे हो जाएंगे। नौकरी धंधे को लेकर मन में कुछ व्यावहारिक विचार रहेंगे। ऑफिस में कोई नया काम आपको मिल सकता है। कोई पुराना मामला यदि चल रहा है तो बेहतर होगा कि आप उसको भूल ही जाएं। कुछ नया काम आपका शुरू होगा, उससे लाभ होगा। किसी काम के बारे में आपको विचार करना होगा और उधारी लेने और देने से आपको बचना चाहिए। कुछ नई जिम्मेदारी, नया काम आपको प्राप्त होने वाला है और जो पिछले दिनों आपने मेहनत की थी या काम किया था उससे भी आपको अच्छा फायदा होगा। इसके साथ ही यदि आप अपने घर से निकलते समय 1 पान खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। कोई नई और महत्वपूर्ण शुरुआत होगी। ऑफिस में वह काम आपको मिल जाएगा जिसके लिए आप बहुत ज्यादा उत्सुक थे। आज आप अपनी वाणी से सभी काम पूरे करवा लेंगे। न्याय संगत बातें करेंगे तो आपको जो है लाभ होगा। पुरानी मेहनत रंग लाएगी। परिवार और बिजनेस के मामलों में सहजता सरलता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ अच्छे से समय व्यतीत होगा। थकावट थोड़ी बहुत महसूस आप करेंगे। ऑफिस में आपसे यदि कोई गलती हुई है तो उसको आप सुधार भी लेंगे। आपकी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन होगा और उपाय के रूप में चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। कोई जोखिम भरा काम आपका शुरू हो सकता है। इसमें सफलता भी प्राप्त होगी। आपका आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा। पूरी ताकत और मन से आपको काम करेंगे तो फायदा होगा। आपको पैसों के बारे में बहुत समझदारी से फैसला करना होगा। अतिरिक्त आमदनी के कुछ अच्छे अवसर भी मिलेंगे। खेलकूद मनोरंजन में शामिल होने का अवसर मिलेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे और दोस्तों के साथ मन की बात आप शेयर कर सकते हैं। इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। दूसरों की बातें और कामों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। और उपाय के रूप में काले तिल का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। अपनी परेशानियां किसी से शेयर करने से आपका मन हल्का हो जाएगा। हर तरह के मामलों में शांत मन से विचार करें, फिर ही कोई फैसला करें। आपकी इच्छाएं पूरी होने में समय नहीं लगेगा। कुछ फैसले आपके ठीक भी रहेंगे। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, प्रभावित होंगे। अपनों का साथ मिलने से आप प्रसन्न हो जाएंगे। बिजनेस या जॉब के पर्पज से आपकी यात्रा हो सकती है। और उपाय के रूप में 1 पान हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा।
अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मदद या सलाह के लिए कुछ लोग आपसे संपर्क करेंगे, दोस्तों तथा भाइयों से सपोर्ट मिलेगा। कोई क्या सोच रहा है इस बारे में आप समझ जाएंगे। ज्यादातर मामलों में दिन अच्छा है, आपकी तारीफ होगी, कोई पुरस्कार भी आपको प्राप्त होगा। थोड़ी मेहनत करने से ही आपको धन लाभ हो जाएगा, किए गए कामों से फायदा होगा, समय आपके पक्ष में है। बिना सोचे समझे बोलकर आप जो है कोई मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए जो भी बोले सोच विचार कर बोले, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न करें। और उपाय के रूप में यदि आप हल्दी का एक तिलक लगा करके घर से निकलते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।